हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Z1 X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है पासवर्ड लॉक कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये पासवर्ड लॉक सेट होने के बाद कैसे काम करेगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी पे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा नीचे स्क्रीन लॉक, स्क्रीन लॉक पे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा नीचे कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, इसे आपको सेट करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ना ये पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको एक अपना पासवर्ड लॉक सेट करना है। पासवर्ड लॉक सेट करने के लिए आपको यहाँ पर कम से कम ना 4 कैरेक्टर यूज करने हैं कीबोर्ड में से। आप 4 कैरेक्टर से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 कैरेक्टर से कम यूज करेंगे तो आपका पासवर्ड लॉक सेट नहीं हो पाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप यहाँ पे कीबोर्ड में से काउंटिंग का यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट के लेटर्स का आप यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो काउंटिंग और अल्फाबेट के लेटर्स को आप मिक्सअप करके भी एक पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए 1234 यहाँ पे डाल देता हूँ, आप जो मर्जी यूज कर लीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन टैप करना है। इसके बाद आपको फिर से वही पासवर्ड डालना है जो आपने पहले यहाँ पे डाला था। इसके बाद ये कंफर्म का बटन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज में ये डन का ऑप्शन नीचे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका स्क्रीन लॉक के नीचे कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये पासवर्ड लॉक सेट हो जाता है। अब ये कैसे काम करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आप फोन की स्क्रीन को ऑफ करेंगे, इसके बाद फोन की स्क्रीन को ऑन करेंगे और इसके बाद स्वाइप करना ऊपर ऐसे, तो आपका पासवर्ड लॉक ये नजर आएगा आपके फोन पे। यहाँ पर आपको वही पासवर्ड एंटर करना है जो आपने सेट किया था। इसके बाद नीचे राइट क्लिक का ऑप्शन टैप करेंगे तो आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। तो ये सेटिंग ऐसे काम करेगी सेट होने के बाद। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपके फोन में। इसके लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में स्क्रीन लॉक आपको टाइप करना है। तो आपको नीचे स्क्रीन लॉक का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके नीचे सेटिंग सिक्योरिटी लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का।